नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 जुलाई दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मॉनसून सत्र में पेश हुआ अनुपूरक बजट, पर इस दिन होगी चर्चा। प्रदेश के इन बच्चों के लिए राजकीय कल्याण छात्रावास का हो रहा संचालन। एक बार फिर से प्रदेश में बारिश की बढ़ी संभावना। आज वित्त मंत्री 2024-25 के लिए बजट करेंगी पेश, जानिए किन चीजों पर होगा फोकस। स्त्री टू में श्रद्धा कपूर के साथ पंकज त्रिपाठी भी मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। अनलिमिटेड वॉइस कॉल और डेटा चाहिए तो BSNL का ये रिचार्ज प्लान है सबसे बढ़िया। गौतम गंभीर ने अपने और जय शाह के रिश्तों को लेकर कही ये बात। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय नौसेना में निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन। भारतीय नौसेना में भर्ती के लिए सुनहरा अवसर है। दरअसल नौसेना ने सामान्य केंद्रीय सेवा समूह बी, सामान्य केंद्रीय सेवा समूह सी, फायरमैन, फायर इंजन चालक, ट्रेड्समेट, कंट्रोल वर्कर, कुक और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 741 पदों पर आई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 अगस्त है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता अलग अलग पदों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। जानिए क्या होता है विशेष राज्य का दर्जा और बिहार क्यों कर रहा है इसकी मांग। इन दिनों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोरों पर है। लेकिन क्या आपको पता है कि विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है और बिहार के लिए क्यों विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है। अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि जो राज्य आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक आधार पर पिछड़े होते हैं उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। विशेष राज्य की कैटेगरी में वो राज्य आते हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व या आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा हो, साथ ही वो राज्य पड़ोसी देश की सीमा से सटे हो। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर केंद्र सरकार जो पैसे देती है उसमें 90% अनुदान होता है और 10% रुपये बिना ब्याज वाले कर्ज होते हैं। साथ ही और भी कई चीज़ों में ऐसे जैसे टैक्स आदि में छूट मिलती है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग वर्ष 2005 से ही की जा रही है। जब से बिहार और झारखंड दो अलग राज्यों में बंटे तब से इसे विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठने लगी। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे बक्सर फोर्ट के बारे में। बक्सर किला बिहार के बक्सर जिले में स्थित है और एक प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक है जो एक विरासत है। किला विशाल है और गंगा के पास स्थित है। इस किले की पुरातत्व संरचना इसके गौरवशाली अतीत को परिभाषित करती है। ये निश्चित रूप से प्राचीन प्रेमियों के घूमने की अच्छी जगह है। वैसे तो बक्सर में घूमने के लिए और भी कई जगह हैं, लेकिन किले को देखना आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। प्रदेश के इन बच्चों के लिए राजकीय कल्याण छात्रावास का हो रहा संचालन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में पढ़ने वाले बच्चों के शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए प्रदेश में 112 राजकीय कल्याण छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इसमें नामांकन लेने के लिए जरूरी है कि वो बच्चा बिहार का स्थायी निवासी हो और अनुसूचित जाति या जनजाति से अपना संबंध रखता हो, साथ ही राज्य के किसी स्कूल या महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहा हो। इस छात्रावास में बच्चों का नामांकन गत परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार कर रिक्तियों के अनुरूप दिए जाएंगे। नामांकन लेने वाले बच्चों को निःशुल्क रहने और पढ़ने की सुविधा मिलेगी। 15 किलोग्राम चावल और गेहूं दिए जाएंगे, साथ ही हर महीने 1000 रुपये का अनुदान भी मिलेगा। आज वित्त मंत्री 2024-25 के लिए बजट करेंगी पेश, जानिए किन चीजों पर होगा फोकस। आज सुबह 11 बजे संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 2024-25 के लिए केंद्र बजट पेश करेंगी। ये पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट होगा। ऐसे में सभी की निगाहें इस पर बजट पर होंगी। आम लोगों के साथ इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की भी अपनी उम्मीदें और मांग है। कहा जा रहा है कि इस बजट में केंद्र सरकार इनकम टैक्स, ग्रामीण विकास, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और रोजगार पर फोकस करने वाली है। इसके अलावा सरकार कई सरकारी योजनाओं पर भी कई अहम फैसले ले सकती है। अगर आप चाहें तो बजट का सीधा प्रसारण संसद टीवी या दूरदर्शन पर देख सकते हैं। हॉर्टिकल्चर अधिकारी भर्ती परीक्षा की तारीख हुई जारी।
हॉर्टिकल्चर अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर इसके तारीखों को देख सकते हैं। जारी हुई अधिसूचना के मुताबिक परीक्षा 12 और 13 अगस्त को होगी। इस परीक्षा के तहत 318 खाली पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड इसके आधिकारिक वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे। यहां से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। अनलिमिटेड वॉइस कॉल और डेटा चाहिए तो BSNL का ये रिचार्ज प्लान है सबसे बढ़िया। 107 रुपये से लेकर 1499 रुपये तक के कई नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL द्वारा पेश किए गए हैं। अगर आप भी अपने लिए सस्ता और बढ़िया प्रीपेड प्लान ढूंढ रहे हैं तो 229 रुपये वाला रिचार्ज प्लान सबसे अच्छा हो सकता है। इस प्लान में आपको डेली 2 GB डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल, डेली 100 फ्री SMS और साथ ही गेमिंग बेनिफिट के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर आप फिल्में भी देख सकेंगे। इस प्लान की वैधता पूरे 1 महीने की है। अगर आपके क्षेत्र में BSNL का 4G का नेटवर्क चालू हो गया है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। 11वीं-12वीं सदी के भगवान विष्णु की मिली अद्भुत प्रतिमा। भगवान विष्णु की प्राचीन प्रतिमा रोहतासगढ़ के चौरासन मंदिर के पास खुदाई के दौरान मिली है। इसमें भगवान विष्णु बाएं तरफ निचले हाथ में शंख लिए हैं, जो हथेली के सहारे उंगलियों को ऊपर की तरफ मोड़कर पकड़ा गया है। वहीं बाएं उठे हुए हाथ में सुदर्शन चक्र है, जिसके सामने की तरफ पूरा भाग दिखाई दे रहा है। वहीं दाएं तरफ निचले हाथ में फल है। दाएं ऊपरी हाथ में भगवान विष्णु गदा लिए दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पर मंद मुस्कान धारण किए ये प्रतिमा इतिहासकार और पुरातत्व वेदा डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी ने मध्यकालीन और 11वीं-12वीं सदी के कला का सुंदर नमूना बताया है। मॉनसून सत्र में पेश हुए अनुपूरक बजट पर इस दिन होगी चर्चा। बीते दिन बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई। ये मॉनसून सत्र 5 दिवसीय है, जो 26 को समाप्त होगा, जिसकी शुरुआत विधान सभा स्पीकर नंदकिशोर यादव के संबोधन के साथ हुई है। इस दौरान स्पीकर ने सबसे पहले रुपौली के नए विधायक शंकर सिंह को शपथ दिलाई, फिर सभी विधायकों को सत्र में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया। तय प्रोग्राम के तहत विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सम्राट चौधरी ने 45,512 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। अब इस पर विधानसभा और विधान परिषद में 25 और 26 जुलाई को बहस होगी। इसके बाद अन्य कार्यवाही के बाद सदन की कार्यवाही को मंगलवार यानी आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब पटना में डीजल से चलने वाले स्कूल बसों का बंद होगा संचालन। पटना में वैसे बस जो डीजल से चलते हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। अब डीजल से चलने वाले स्कूल बसों को बंद करने की तैयारी है। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा कहा गया है कि 1 सितंबर से पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, फुलवारी नगर परिषद और खगौल नगर परिषद क्षेत्र में डीजल चलित स्कूल बसें अब नहीं चलाई जाएंगी। अब स्कूल की बसें CNG या इलेक्ट्रिक बसें ही होंगी। जिला परिवहन कार्यालय सभी स्कूलों को इसके लिए नोटिस भी भेजेगा। स्त्री 2 में श्रद्धा कपूर के साथ पंकज त्रिपाठी भी मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। स्त्री 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर के साथ बिहार से अपना संबंध रखने वाले पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले स्त्री का पहला पार्ट साल 2018 में रिलीज हुआ था। इस मूवी में हॉरर कॉमेडी सीन देखने को मिले थे। पहले सीजन में पंकज त्रिपाठी ने भी अहम भूमिका निभाई थी। इस सीजन में ये मिलेगी मिलेगी गाने में भी अहम रूप से नजर आए थे। अब स्त्री 2 भी 15 अगस्त को रिलीज कर दिया जाएगा। जिन्होंने स्त्री फिल्म देखा है वो अब इसके दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए मिल रहा अनुदान। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश के 21 जिलों में 3 साल तक ड्रैगन फ्रूट विकास योजना के तहत बाग में ड्रैगन फ्रूट लगाए जाएंगे। फिलहाल बड़े पैमाने पर कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है। प्रदेश सरकार ने ये फैसला बाजारों में ड्रैगन फ्रूट के बढ़ते मांग को देखते हुए लिया है। 7,50,000 रुपये ड्रैगन फ्रूट की खेती की कुल लागत है और इसके लिए किसानों को 40% तक का अनुदान मिलेगा। ये अनुदान किसानों को 3 किस्तों में दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को https://horticulture.bihar.gov.in पर जाकर करना होगा।
जाने कैसे डिजी लॉकर पर डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं अपलोड। यदि आप अपने दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करके डिजी लॉकर पर सुरक्षित रख सकते हैं। इस पर दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक ई डॉक्यूमेंट जिसे सरकारी एजेंसी द्वारा किसी को सीधे ओरिजिनल सोर्स से दिए जाते हैं, दूसरे वो जिसे आप अपलोड करते हैं। खुद से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इसके वेबसाइट पर साइन अप करना होगा। फिर यहाँ अपना नाम, जन्म तिथि, लिंक, मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार नंबर डालना होगा। फिर यहाँ 6 अंकों का पिन सेट कर पासवर्ड सेट करेंगे। फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही आपके पास OTP आएगा। इसे भरने के बाद फिर से सबमिट कर दें। अब यहाँ आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर डिजी लॉकर के होम पेज पर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में जाकर आगे की प्रक्रिया पूरी कर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें। इस तरह आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी सुरक्षित अपलोड हो जाएंगे। आज विधान परिषद सभापति के तौर पर अवधेश नारायण सिंह का हो सकता है चुनाव। बीते दिन सीएम नीतीश कुमार की उपस्थिति में बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सभापति पद के लिए नामांकन किया। ये नामांकन पत्र उन्होंने विधान परिषद के सचिव अखिलेश कुमार झा को सौंपा है। अवधेश नारायण सिंह का समर्थन सत्ताधारी दल के साथ ही विपक्षी दलों ने भी किया है। ऐसे में आज उम्मीद है कि विधान परिषद सभापति के तौर पर अवधेश नारायण सिंह को चुना जाए। एक बार फिर से प्रदेश में बारिश की बढ़ी संभावना। सावन का महीना आ चुका है। सावन के प्रवेश के साथ ही प्रदेश में बारिश होने की संभावना बढ़ चुकी है। एक बार फिर से मौसम विभाग ने प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात की संभावना जताई गई है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेले का किया उद्घाटन। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। सावन के शुरुआत के साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेला 2024 का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन नमामि गंगे घाट यानी जहाज घाट सुल्तानगंज में किया गया है। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विजय कुमार सिन्हा मौजूद थे। इसकी अध्यक्षता राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा की गई। बरसात के मौसम में घर को ऐसे रखें करंट प्रूफ। बरसात के सीजन में इलेक्ट्रॉनिक सामानों से बच के रहने की जरूरत होती है। इस दौरान इन सब चीज़ों को से करंट लगने का डर अक्सर लगा रहता है, इसलिए बारिश के मौसम में करंट लगने से कुछ हादसा ना हो हमें इसका ख्याल भी रखना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि आपके घर की वायरिंग सही ढंग से करवाई गई हो। घर की वायरिंग जब भी करवाएं किसी अच्छे सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्टर से ही करवाएं। साथ ही घर में इलेक्ट्रॉनिक स्विच पर ISI मार्क हो, इसका भी खास ध्यान रखें ताकि घर में शॉर्ट सर्किट लगने की संभावना कम हो। करंट पानी के संपर्क में आते ही काफ़ी तेजी से फैलता है, इसलिए घरों की दीवारों को नमी से बचा कर रखें। जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसे अनप्लग करना ना भूलें। पुलिस ने लग्जरी कार से विदेशी शराब किया बरामद। पुलिस ने जमुई के खैरा सोनो मुख्य मार्ग के सिंगारी टांड के पास एक लग्जरी कार को पकड़ा है। इस कार को ड्राइवर ने गड्ढे में कुदा दिया था और अंधेरे का फायदा उठाकर ड्राइवर गायब हो गया था। हालांकि पुलिस ने 3 घंटे की मशक्कत से गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाला। जब गाड़ी की तलाशी की गई तब इसमें से 400 लीटर विदेशी शराब बरामद हुए हैं। इसकी कीमत 5 लाख रुपए के करीब में आंकी गई है। इस मामले को लेकर खैरा थाना अध्यक्ष सह प्रशिक्षु DSP दुर्गेश दीपक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जहां इसकी जानकारी दी गई। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर केंद्र सरकार ने दिया स्पष्ट जवाब। बिहार में सीएम नीतीश की पार्टी जदयू समेत कई विपक्षी दल विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। अभी हाल में ही हुए सर्वदलीय बैठक में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी इस मांग को दोहराया है, लेकिन बीते दिन सोमवार को संसद की कार्यवाही के दौरान ये साफ कर दिया गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। दरअसल वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने झंझारपुर सांसद रामप्रीत मंडल द्वारा पूछे गए सवाल का लिखित जवाब देते हुए कहा है, योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा पहले राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा उन राज्यों को दिया जाता था जो विशिष्ट चुनौतियों का सामना करते थे। इन चुनौतियों में पहाड़ी और कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व या आदिवासी आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और बुनियादी ढांचे का पिछड़ापन और राज्य के वित्त की अव्यवहारिक प्रकृति शामिल। केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार करने पर राजद का पलटवार।
केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से साफ इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, अब जब केंद्र सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया है तो सीएम नीतीश इस्तीफा दे। वहीं राजद नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार को मजदूर सप्लाई प्रदेश बनाकर रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो मिलना ही चाहिए, साथ में स्पेशल पैकेज भी मिलना चाहिए। इन दोनों के बीच में या शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड के इसे अलग होने के बाद बिहार के हिस्से में धूल धूप और वर्षा के अलावे कुछ नहीं बचा है। बिहार की प्रगति और विकास के मानदंड की जब चर्चा होती है तो उसे संवेदना से देखने की जरूरत है। हम बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा संसद में मांगेंगे और सड़क पर भी मांगेंगे। कई बड़े मुस्लिम नेताओं ने जन सुराज का थामा हाथ। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज से काफी लोग जुड़ रहे हैं, जिससे पार्टी की मजबूती बढ़ती ही जा रही है। अभी हाल में ही जन सुराज ने करीब 30 नेताओं की लिस्ट जारी की थी। अब एक बार फिर से पार्टी द्वारा 35 और नए नेताओं की लिस्ट जारी की गई है जो जन सुराज से जुड़े हैं। इसमें बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और पूर्व जदयू सांसद मोनाजिर हसन का नाम शामिल है। जन सुराज ने जो लिस्ट जारी की है उसमें इस बार मुख्य तौर पर मुस्लिम पक्ष से कई बड़े नेता जुड़े हैं। मोनाजिर हसन के अलावे पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ इबरार अंसारी भागलपुर से, वहीं पूर्व राजद राज्य पंचायती राज प्रकोष्ठ अध्यक्ष नियाज अहमद गोपालगंज से का नाम शामिल है। कांग्रेस सेवा दल के 7 ब्रिगेड के सदस्य बिहार में 65% आरक्षण की कर रहे मांग। बीते दिन बिहार में 65% आरक्षण की बहाली की मांग को लेकर कांग्रेस सेवा दल के यूथ ब्रिगेड के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में उतरे सभी लोगों का नेतृत्व बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष आदित्य पासवान कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों द्वारा मांग की जा रही थी कि आरक्षण व्यवस्था को अस्थायी रूप से देने के लिए इसे अनुच्छेद 9 में शामिल किया जाए। इनकी मांग है कि बिहार में चौकीदार और दफादार के पद पर पासवान जाति की बहाली हो। इनका कहना है कि बिहार में दलित और महादलित के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। गौतम गंभीर ने अपने और जय शाह के रिश्तों को लेकर कही ये बात। सोमवार को भारतीय टीम 3 T20 और इतने ही वनडे मैचों की सीरीज के लिए रवाना हुई। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें टीम के नए हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर दिखे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय क्रिकेट टीम को बेहतर बनाने और टीम के भविष्य पर चर्चा हुई। इस दौरान गौतम गंभीर ने अपने और BCCI के सचिव जय शाह के साथ रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि मेरा जय शाह के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, हम लंबे समय से साथ हैं, हम लोगों के विचार अलग हैं। इस तरह की तमाम अफवाहें मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा हूं। मुझे लगता है कि हम शायद उन चीज़ों को स्पष्ट करने से बेहतर काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये ऐसे ही जारी रहेगा क्योंकि भारतीय क्रिकेट की बेहतरी अधिक महत्वपूर्ण है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1555 में सर हिंद में सिकंदर सूरी को हराकर मुगल शासक हुमायूं दिल्ली पहुंचा था। आज के दिन वर्ष 1856 में तिलक गणितज्ञ दार्शनिक और राष्ट्रवादी बाल गंगाधर का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1898 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार ताराशंकर बंदोपाध्याय का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1906 में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1927 में मुंबई से रेडियो सेवा का नियमित प्रसारण शुरू हुआ था। आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे कोविड के दौरान मौत को लेकर हुए सर्वे के बारे में। PIB फैक्ट चेक ने DD न्यूज के एक खबर को रिपोस्ट किया है जहां 2020 में अत्यधिक मृत्यु दर को उजागर करने वाली मीडिया रिपोर्ट को भ्रामक बताया गया है। जर्नल साइंस एडवांसेज की स्टडी को भ्रामक बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि कोविड के दौरान मौतों को लेकर सर्वे की मेथोडोलॉजी गलत है। एक छोटे से सर्वे से सैंपल से पूरे देश का आंकड़ा बता दिया गया है। इस स्टडी में बहुत सारे तथ्य को बढ़ा चढ़ाकर बताने की बात कही गई है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए किशनगंज, ऑप्शन बी है चिरांद, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है भागलपुर। इसका सही उत्तर है चिरांद। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 247 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 206 ईसा पूर्व,
ऑप्शन सी है 222 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 111 ईसा पूर्व, इसका सही उत्तर है 247 ईसा पूर्व। भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्व एशिया से ब्रिटिश की निकासी, ऑप्शन बी है क्रिप्पस मिशन की असफलता, ऑप्शन सी है अगस्त प्रस्ताव की असफलता, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी की गिरफ्तारी, इसका सही उत्तर है क्रिप्पस मिशन की असफलता। नील की खेती करने वाले किसानों की सहायता करने के लिए गांधी जी को चंपारण चलने के लिए किसने राजी किया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी है ब्रज किशोर, ऑप्शन डी है महादेव देसाई, इसका सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है संत तुकाराम, ऑप्शन सी है महात्मा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है महात्मा ज्योतिबा फुले। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है ओम प्रकाश, पुरुषोत्तम कुमार, मोहम्मद असगर कमाल, राकेश मिश्रा, कृष्णा प्रसाद, मोहम्मद साकिर हुसैन, गोनर शर्मा, रंजीत मिश्रा, राजन कुमार, राजकिशोर महतो, राजू कुमार, विजेंद्र कुमार शाह। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया है, आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।